छुट्टियां होने पर ना बस एक ही जगह बेस्ट लगती है, वो है नानी का घर। एक अनोखा ही रिश्ता होता है ना नाना नानी से और उनके उस पुराने घर से, जो ना जाने कितनी यादें समेट लेता है। वो खुला आंगन, चारपाई और सभी भाई बहनों के इकट्ठे होते ही फिर से जी उठता है। कैसे सब रात को आसमां तले चटाई बिछाकर सो जाते थे, नानी से मम्मी की शैतानी के किस्से बार बार सुनते थे, दिन में नाना के साथ पूरा बाजार घुमाते थे, और कोई रोक टोक लगा देना हम पर तो बस नानी के आंचल में जा छिप जाते थे। नानी के हाथ का बना वो सादा खाना याद दिलाता है उनके माँ जैसे प्यार को। अब पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो दीवारें बेशक फीकी पड़ गई हैं, पर वो यादें अब भी उसी आंगन में शोर मचाती हैं। पर कहते हैं ना, नाना नानी का घर भी ना उनके होने से ही बुरा लगता है। वक्त बीत जाता है और बचपन हमेशा उस घर की ओर जाते ही जिंदा हो जाता है।